दोस्तों आज का जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है, क्योंकि इसमें हम यूज़ करने वाले हैं अपनी प्रिंटेड कलर की पाइपिंग और कुछ पोटली बटन। दोस्तों ये पोटली बटन तो आप आराम से ही बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक लेना है प्लेन कपड़ा जिससे हम बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे, और आपको अपनी कुर्ती में कुछ चेंजेस करके कटिंग करनी होगी जैसे कि हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी कुर्ती की जो लंबाई है जितनी भी आप रखते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखें, और जितनी भी चौड़ाई आप काटते हैं उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो ये हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है, और इसमें हम अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, मतलब जो हमारा ये बंद वाली साइड है, यहाँ से हम 4.5 इंच पर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा निशान लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों ये निशान हमारा लग गया है, अब हम सेम निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। और दोस्तों इसी तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए आप हमें हमारी वेबसाइट पर फॉलो करें जिसका नाम है www.roofffashionpoint.com, जहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत कुर्ती के डिज़ाइन, ब्लाउज़ के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों हमने पीस अपने अलग अलग कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो पीस है आपका, देखिए ये जो बीच में से निकला है, इस पीस को ऐसे ही डबल फोल्ड रहने देना है, और ऊपर से देखिए 14.5 इंच पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा 14.5 इंच पर कमर का निशान है, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद दोस्तों आपको इस पीस को भी फेंकना नहीं है, इस पीस पे आपको क्या करना है बताते हैं। इस पीस पे आपको अपना ये वाला कपड़ा लेना है, और इस कपड़े को इस तरीके से रखने के बाद सेम इसी कपड़े के नाप से कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों ये हमने कपड़े को बिल्कुल इक्वल करके कटिंग कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम आपको बुकरम पे नेक कटिंग करना बताएंगे। तो नेक कटिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, बुकरम को इस तरीके से लेना है और डबल फोल्ड कर लेना है। नेक की ब्रॉडनेस का निशान आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं और लंबाई का भी। तो हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 7 इंच है, तो 7 इंच का हाफ करके 3.5 पर मार्क लगाएंगे, और नेक की लंबाई जो हम रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच, और यहाँ से इस तरीके से इसकी शेप दे देंगे। बाहर की तरफ हम अपने हिसाब से बुकरम इसकी रखेंगे और इसकी सेम निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब हम इस नेक को भी कुर्ती के ही कपड़े पर चिपका के बताएंगे आपको किस तरीके से बनेगा। तो देखिए दोस्तों हमने अपने नेक को इस तरीके से चिपका लिया है, थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ को फोल्ड कर दिया है, और इसके बाद दोस्तों हमने जो ये अपने दो पीस कट किए थे इनको हम आपस में सिलाई मार के चारों तरफ से अटैच कर देंगे। तो ये सिलाई मार्कर अटैच करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद में 20 सेंटर में एक इस तरीके से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इसको खोलना है, और खोलने के बाद नेक इसके ऊपर आप कट से कट मिलाकर रखेंगे, और उस नेक के अंदर सिलाई लगाकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, मतलब कि नॉर्मल तरीके से ये बन जाएगा। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिनिशिंग के साथ दोस्तों इस पर प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपने नेक पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा ली है, और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ये जो नीचे से पीस आपने कट के निकाला था, इस पीस के साथ में हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए दोस्तों ये हमारी पाइपिंग है, और पाइपिंग का जो गोल वाला हिस्सा है वो इधर की साइड रखेंगे और मार्जिन वाला इधर की साइड, इस तरीके से यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। और सेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो पीस है आपका इसको भी इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और सिलाई आपको वहाँ चलानी है जहाँ आपकी पाइपिंग है गोल, मार्जिन लेते हुए इसको सीधा कर देंगे सिलाई से। तो देखिए दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग निकल कर आ गई है। ऐसे ही दोस्तों हमें अपने नेक पर भी पाइपिंग को नॉर्मल तरीके से लगा लेना है। तो दोस्तों ये हमने फिनिशिंग के साथ नेक पर भी पाइपिंग लगा ली है। इसके बाद दोस्तों आपको एक साइड पर अपने ये वाले पोटली बटन भी यूज़ करने हैं। तो इनको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए दो पोटली बटन आपको एक साथ लेने होंगे, और लेने के बाद में इनकी जो गोलाई है, मतलब गोल वाला हिस्सा, आपको अंदर की तरफ इस तरीके से सेट करना होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इनको सेट करेंगे, और सेट करते हुए 2-2 इंच की दूरी पर इनको अटैच करेंगे जोड़े से।
और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। देखिए इसके बाद दोस्तों आपको लेनी होगी यही प्रिंटेड वाली पाइपिंग। तो ये हमारी पाइपिंग है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो गोल वाला हिस्सा है अंदर की तरफ को और मार्जिन बाहर की तरफ को इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे। दोस्तों पोटली बटन पर आने के बाद में दोस्तों आपको मशीन को अपनी बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। और पाइपिंग को जो है नीचे तक सीधा लगाते जाना है। तो दोस्तों जैसे हमने एक साइड पर पाइपिंग लगाई है ऐसे ही हम अपनी दूसरी वाली साइड पर पाइपिंग नॉर्मल तरीके से लगा रहेंगे, लेकिन यहाँ पर पोटली बटन नहीं लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों ही साइड पर हमने पाइपिंग लगा ली है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लेने हैं आपको वो वाले दो पल्ले जो कि आपकी साइड से निकले थे कुर्ती कटिंग करते वक्त। इनमें से दोस्तों एक एक पीस आपको अलग अलग कर लेना है इस तरीके से। ये वाला पीस आपको इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद पाइपिंग की गोलाई के बराबर बराबर सिलाई लगाकर इसको भी अटैच करना है। तो देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो पाइपिंग है वो निकलकर तैयार हो गई है। ऊपर से लेके नीचे तक देखिए हमारी पाइपिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरी साइड पर भी अपना ये वाला पल्ला जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपना दूसरा पल्ला जोड़कर डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट कर दिया है, और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। किसी कारण से नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.roofffashionpoint.com।